दिन रात, बाकी तुम सब भूल जाओ, ये दिन और रात याद रखो। फिर 7 दिन का सप्ताह, 2 सप्ताह का मिला के पक्ष बनता है। सौर गणना 365 104 दिन की होती है, और चांद्र गणना इसमें थोड़ी कमी आती है, 27 कुछ दिन का होता है, इसलिए 3 साल में एक अधिक मास आता है इस चक्र को पूरा करने। फिर 2 महीने की ऋतु है, 3 ऋतुओं का मिलाकर अयन 6 महीने का, दक्षिणायन उत्तरायण। महाभारत में आप पढ़ते हैं ना, भीष्म ने कहा कि मैं अभी नहीं मरूंगा, क्यों, अभी दक्षिणायन चल रहा है, उत्तरायण आएगा तब मरूंगा। और 2 अयन का फिर वर्ष, और आगे फिर इसको नापना है, दुनिया तो बहुत बड़ी है तो ये छोटी इकाई से कब तक चलेगा, तो बड़ी स्केल बनाई जिसको कहा गया बेस कलयुग, तो 4,32,000 साल का कलयुग। फिर 2 इकाई मिला देंगे तो द्वापर, तो 8,64,000, 3 को मिलाएंगे तो त्रेता, तो 12,96,000, और 4ों को मिलाएंगे तो 1 चतुर्युगी जो 17,20,000 की होती है। ये 4ों को मिलाकर के कहा 1 चतुर्युगी, फिर कहा ऐसी 71 चतुर्युगियां जब बीतती हैं तो 1 मन्वंतर काल होता है, और ऐसे 14 मन्वंतर काल जब बीतते हैं तो बोले ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है, जिसका माप है 4,32,000,000,000, 4,32,00,000,000,000 का दिन और उतनी बड़ी रात। मैं जब ये कह रहा हूं तो आपको लगेगा पता नहीं कौन से जमाने की गप्पा हाँक रहे हैं आप। और इतना ही नहीं तो आगे फिर वो कहते हैं कि ब्रह्मा ऐसे दिन सप्ताह पक्ष मास वर्ष करके 100 साल तक जिंदा रहता है, और ऐसा एक ब्रह्मा जब मरता है तो विष्णु की आंख की पलक झपकती है। अब अपन सुनेंगे तो अपना तो सिर चकरा जाएगा, लेकिन जब मैं ऐसा कहूंगा ना तो अपने को लगेगा कि कुछ तो भी गपोड़बाजी कर रहे हैं, तो इसलिए पश्चिम का प्रमाण देना जरूरी रहता है। आजकल अपनी बात भी सिद्ध करने के लिए बाहर के आदमी क्या कह रहे हैं ये बताना पड़ता है, इसलिए मैं बता रहा हूं। दुनिया का बहुत बड़ा एस्ट्रोनॉमर हो गया ब्रह्मांड विज्ञानी, कार्ल सेगन नाम था उसका, 96 में शायद हो गया, उसकी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है कॉस्मोस नाम से, उसमें वो वर्णन कहता है करता है कि इस दुनिया के अंदर हिंदू धर्म ही एकमात्र ऐसा धर्म है जो ये कहता है कि इस विश्व का सृजन कोई पहली बार नहीं हुआ है, लेकिन निर्माण और विनाश का अखंड चक्र चला आ रहा है, और जिसने काल का छोटे से छोटा माप परमाणु काल और बड़े से बड़ा काल ब्रह्म और दिन और रात जो 8,64,00,000,000 होता है, अंतिम वाक्य महत्व का है। सेगन कहता है आश्चर्यजनक रूप से आधुनिक विज्ञान के बिल्कुल ये निकट है। तो एक दृष्टि से काल की अवधारणा, और यह संपूर्ण काल का हमको ज्ञान हो इसका बहुत सरल पद्धति हमारे पूर्वजों ने की, बहुत सरल पद्धति की उन्होंने। आजकल कोई भी ये पूजा पाठ होता है ना अपने यहां पे, आजकल अपन आधुनिक हो गए तो संस्कृत की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं, आपको नहीं लगता है पंडित कुछ बड़बड़ कर रहा है, अपने को तो जब कहेगा अक्षर डालो फूल डालो तब अपन ने डालना, बाकी दिमाग नहीं लगाना। लेकिन ये सारी काल गणनाएं उस 1 मिनट के अंदर वो पंडित बताता है जिसको संकल्प मंत्र कहते हैं, वो उसको ध्यान से कभी सुनोगे तुम तो तुम्हारे ध्यान में आएगा। उसमें कहते हैं ओम विष्णु राज्ञा प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे, यानी विष्णु की आज्ञा से जो काल चक्र प्रवर्तमान है तो ब्रह्मा जी के 100 साल के में 50 साल की उम्र पूरी हो गई है उनकी, 51वें साल का पहला दिन ब्रह्म दिन, तो कौन सा कल्प कहते हैं उसको, तो श्वेत वाराह कल्प है ऐसा बोलता पंडित, यानी ब्रह्मा का पहला दिन। फिर उसमें 71 चतुर्युगी तो अभी कौन सी चल रही है, तो फिर वो कहेंगे श्वेत वाराह नहीं मनमंत्र कौन सा है, तो फिर कहेंगे 7वां मनमंत्र 14 में से 7वां, तो श्वेत वाराह कल्प है वैवस्त मनमंत्र है। उसके आगे 71 चतुर्युगी 1 मनमंत्र में तो कौन सी चल रही है, तो फिर पंडित आगे बोलता है अष्टाविशंति तमे कलियुगे, यानी 27 चतुर्युगियां बीत गई है, 28 के 3 होके कलियुग चल रहा है। कलियुग में 4,32,32,000 साल है, तो अभी कौन सा चल रहा है, तो फिर बोले ये कली संवत 5,000 इतना। उसके बाद फिर ये साल कौन सा है, ऋतु कौन सी है, मास कौन सा है, पक्ष कौन सा है, तिथि कौन सी है, टाइम कौन सा है, तुम्हारा गांव कौन सा है, कौन सी नदी आजू बाजू है, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, और तुम ये काम क्यों कर रहे हो, इतना सब वो 1 मिनट से भी कम समय के अंदर आपको बताता है, और फिर आप संकल्प लेते हैं। तो ये काल गणना की अवधारणा और सामान्य जीवन में उसका प्रचलन का एक संकलन किया। एक और अवस्था आजकल चलती कालातीत अवस्था, टाइम मशीन की बातें सुनते हो ना आजकल, हैं
भूत में चले जाना, भविष्य में चले जाना,